दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि सोशल वर्क किस किस फील्ड में किया जा सकता है या फिर सोशल वर्क करने के लिए क्या क्या फील्ड अनिवार्य है या होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आप आगे लाभ उठा सको। दोस्तों सोशल वर्क करने के लिए कोई खास फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु हाँ कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ फील्ड है जिसमें आप प्रॉपरली प्रोफेशनली बनकर काम कर सकते हो, मतलब प्रोफेशनली काम कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस किस फील्ड में आप लोग वर्क कर सकते हैं सोशल वर्क को लेकर। आप एनजीओ के माध्यम से करें या आप इंडिविजुअली करें, किसी भी माध्यम से करें, आपको किस किस फील्ड में वर्क करना चाहिए और कर सकते हैं, सरकार द्वारा भी और समाज के द्वारा भी प्रायोरिटी दी जाती है, उस फील्ड को आप लोगों से सेट करने वाला हूं। तो दोस्तों बता देता हूं कि सोशल वर्क किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा चाइल्ड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और फैमिली एजुकेशन को लेकर सोशल वर्क कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क क्या होता है? कम्युनिटी वर्क के बारे में आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। किसी खास कम्युनिटी को लेकर काम करना, उसको डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके संस्कृति को आगे मतलब ले चलना, उसको अच्छे से मॉडिफाई करके, अच्छे से उसको रिसर्च करके समझना और समझाना, उनके डेवलपमेंट को लेकर काम करना, उनके हेल्प को लेकर काम करना, आप इस फील्ड में कम्युनिटी वर्क को लेकर काम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप सोशल वर्क कर सकते हैं। तीसरा जो है हेल्थ सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। दोस्तों आजकल जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की समस्याएं लोगों को आ रही है, में काफी लोगों की नीड होती है हेल्थ सपोर्ट के लेकर, तो आप हेल्थ सेक्टर में सोशल वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मास्टर डिग्री किए होंगे, डॉक्टरी किए होंगे, वो आराम से हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, इस फील्ड को स्पेशलाइजेशन बनाकर अपना काम कर सकते हैं। आज का जो समाज है उनके पास टाइम ही नहीं बचता है कि एक दूसरे को हेल्प करें, अगर मेंटल हेल्थ को लेकर काम करना चाहते हैं तो मेंटल हेल्थ को लेकर आप इजिली काम कर सकते हैं, बहुत इसमें रिक्वायरमेंट है। लोगों के स्ट्रेस को दूर करना आज सबके बस की बात नहीं है, मगर आप अगर इस काम को करते हो तो आपसे बड़ा कोई है नहीं। मेंटली हेल्थ क्या होता है आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा ये अलग टॉपिक है। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है ना, थोड़ी सी अलग वे में जा रही है, तो एक अलग वीडियो में मेंटल हेल्थ को लेकर आपको अच्छे से शेयर कर दूंगा कि मेंटल हेल्थ में क्या हो रहा है और किस तरह की ये परेशानी है, तो मेंटल हेल्थ को लेकर आप काम कर सकते हैं। पांचवा है क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क को लेकर काम कर सकते हैं। क्रिमिनल शुरू से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्रिमिनलाइजेशन कभी खत्म नहीं होगा, तो इसके ऊपर आप सोशल जस्टिस के ऊपर काम कर सकते हो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो क्रिमिनली कुछ एक्टिविटी नहीं किए होते हैं परंतु वो फंस जाते हैं, ठीक है ना, कि हाँ ये पर्सन जो है ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आप लोग को सुनने को मिल जाता होगा कि हाँ ये इसने कुछ किया नहीं है परंतु इसके ऊपर क्रिमिनली एक्टिविटी के लिए इसको पनिशमेंट दिया गया है, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, उसको न्याय दिलाने के लिए काम आप कर सकते हो स्पेशली, ठीक है ना, ये फील्ड है एक, आप इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो। जो छठा पॉइंट है मिलिट्री सोशल वर्क, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या किसी भी तरह के डिफेंस में लोग काम करते हैं उनके ऊपर सोशल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि काफी नीड है, ये हमारी देश की सेवा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर काम होनी चाहिए और होगी। हम भी चाहते हैं कि सोशल वर्क उनके ऊपर हो जो हमारे देश के लिए कुछ करते हो, हमारे समाज के लिए कुछ करते हो, हमारे लिए लड़ते हो और हमें सुरक्षा प्रदान करते हो, इनके लिए भी खास उपाय होनी चाहिए, खास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब तक वो जॉब में होते हैं, जब तक वो अपने ड्यूटी में होते हैं, तब तक उनको हेल्प मिलता है, उनको हर तरह की सुविधा मिल जाती है, परंतु जैसे ही वो रिटायर होते हैं, जब अपने सर्विस से वो अपना मूव करते हैं, अपने सर्विस से परमानेंटली छुट्टी लेते हैं, तो उनको हेल्प मिलना लगभग बंद हो जाता है। थोड़ी मोड़ी कहीं से हेल्प मिल जाती है तो बड़ी बात है, परंतु जो देश की सेवा किया है, समाज का सेवा किया है, हमें रक्षा दिलाया है, उसके लिए स्पेशली काम होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मिलिट्री के लिए कुछ किया जाए तो आप इसके ऊपर सोशल वर्क कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशलाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है एनजीओ का, ठीक है ना, एनजीओ का, साथ ही साथ समाज के कल्याण के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए। आगे बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर आप काम कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है एनजीओ के। अगला पॉइंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है ना, इसके ऊपर आप उससे काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स और आर्ट्स के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हो, अगर आप रुचि रखते हो स्पोर्ट्स और आर्ट्स को लेकर तो आप लोग स्पेशलाइजेशन बनकर इस क्षेत्र में काम कर सकते हो, ठीक है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स और आर्ट्स को प्रायोरिटी आजकल दी जाती है, ठीक है ना, आजकल खेल का जो उद्देश्य है काफी बढ़ते जा रहा है,
खेल का जो तरीका है बदलते जा रहा है, गवर्नमेंट का भी और हर देश का इसमें ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप स्पोर्ट और आर्ट्स को लेकर काम कर सकते हैं, आर्ट कला को लेकर काम कर सकते हैं। आर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कला को लेकर बहुत सारे काम है, बहुत सारी प्रतियोगिता होती है, वो आप करा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। तो दोस्तों सोशल वर्क करने के लिए आप लोग कौन कौन से फील्ड चूज कर सकते हो, आप लोगों को इस वीडियो में शेयर किया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।